विभागों के बंटवारे के बाद पहली बार मोदी की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। किसान निधि योजना के तहत अभी सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए अलग से पेंशन योजना का ऐलान किया गया। इस योजना से देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश करेंगे। फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा पहुंच चुका है। अभी तक 12.5 करोड़ किसान इस योजना के तहत कवर हो रहे थे। करीब 2 करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। इस योजना पर पहले 50,000 करोड़ खर्च होते, लेकिन अब 12,000 करोड़ रुपये खर्च और बढ़ेगा, यानी अब 87,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इन फैसलों के जरिए सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में अपने प्रमुख चुनावी वादों को पूरा किया है। इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया। इसका भी बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पेंशन स्कीम के तहत 18 साल के उम्र के शख्स को 55 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। सरकार भी इतने का ही योगदान देगी। उम्र के हिसाब से योगदान की राशि बढ़ेगी। जबकि कृषि मंत्री तोमर ने आगे भी कहा कि इन योजनाओं से किसानों, छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पेंशन योजना के तहत 12 से 13 करोड़ लोग कवर होंगे। पहले चरण में 5 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य है। चुनाव आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद सरकार ने राज्यों से प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 10 मार्च से लागू थी। आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कृषि मंत्रालय को इस योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन रोकने को कहा था। सरकार ने 4.76 करोड़ पंजीकृत किसानों में से अभी तक 3.1 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय के डेटा के अनुसार 2.25 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये प्रत्येक की 2 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।